हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.4। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x+9 इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन गिवन है 2x+9 इक्वल टू 0, और इसमें हमारे पास दो पार्ट गिवन है, इन वन वेरिएबल एंड इन टू वेरिएबल। इस क्वेश्चन को वैसे ही करेंगे जैसे हमने लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन किया था। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो गिवन है उसे हम लिख देंगे यहाँ पे। देयर इज गिवन टू एक्स प्लस नाइन इक्वल टू ज़ीरो। ओके, ये फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, और यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे। 2x इक्वल टू में -9, x बिकम्स -9/2, और जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो -4.5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखिए ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब हमें x की वैल्यू करनी है, तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये क्या है हमारी, ये x है। क्लियर। और हमें -4.5 वैल्यू चाहिए, तो स्टार्ट करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। 0, एक सेकेंड, इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम 0, 1, 2, 3, और वैल्यूज जितनी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। यहाँ पे -1 में -1, -2, -3, -4, एंड दिस इज -5, और हमारी वैल्यू क्या है, -4.5। तो ये कहाँ होगी, -4 और -5 के मिड में यहाँ लाई करेगी। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं -4.5। क्लियर। और हमें एक्स की वैल्यू ही बतानी है यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट है इसको हम क्या कर देंगे, सर्कल में, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था सेम वैसे। ठीक है, बस इतना ही, वन वेरिएबल में इतना ही करना था। अब चलते हैं टू वेरिएबल के ऊपर। तो सेकंड पार्ट में टू वेरिएबल्स में बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू -4.5 है, वाई की वैल्यू गिवन नहीं है। तो टू वेरिएबल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2x, वाई की वैल्यू कुछ नहीं है तो हम लिख देंगे 0 इंटू में वाई, और 9 को राइट साइड में ले जाकर माइनस का बना देंगे। ठीक है, अब ये टू वेरिएबल्स आ गए हमारे पास। अब लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने एक टेबल भी ड्रॉ की थी जिसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड आउट किया था। तो हम इसमें वो भी कर सकते हैं, और एक और मेथड है इसके बिना भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले ये देख लेते हैं, यहाँ पे हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ को लिखते जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, दिस इज एक्स। माइनस में यहाँ पुट कर देंगे -1, -2, -3, -4, -4.5 भी चाहिए हमें, तो हम लिख देते हैं -4.5, एंड दिस इज -5। क्लियर। और ये हो जाएगा हमारा एक्स डैश, दिस इज वाई, और ये नीचे क्या हो जाएगा, वाई डैश। अब यहाँ भी वैल्यूज पुट कर देते हैं 1, 2, 3, 4, और नीचे आ जाएंगे माइनस के, -1, -2, and -3। ओके, अब हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू को हमें क्या लेना है, 4.5 माइनस का 4.5। ठीक है, ये तो वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि यहाँ 0 है। वाई की वैल्यू हम कोई भी वैल्यू पुट करें, 0 से मल्टीप्लाई करने पे वो क्या हो जाएगी, 0, और एक्स की वैल्यू सेम वही आएगी जो यहाँ पे हमने फाइंड आउट की है। ठीक है, तो पुट कर देते हैं हम वैल्यूज़। तो एक्स की वैल्यू को 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, ऑलवेज एक्स की वैल्यू -4.5 ही रहेगी। क्लियर। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे पुट करनी है वैल्यूज। तो सबसे पहले एक्स -4.5 और वाई 1, तो कहाँ, यहाँ आया डॉट, यहाँ पे आएगा, तो लिख देंगे एक्स की वैल्यू -4.5 एंड वाई 1। अब एक्स की वैल्यू 4.5 ही रहेगी, और एक्स वाई की वैल्यू क्या हो रही है, 2, तो यहीं पे लिखते जाएंगे हम -4.5, 2। आगे 3 हो रही है तो -4.5 एक्स की वैल्यू एंड वाई 3।
ठीक है। अब ये जो भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इसको हम मीट करेंगे यहाँ से 4.5 से, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए वाई की वैल्यूज पुट कर दी और इस पॉइंट को माइनस, जो एक्स की वैल्यू है हमारी -4.5 और जो वाई की वैल्यू थी 1, 2, 3, इसे हम यहाँ पे लिखते हुए हमने इस लाइन को ज्वाइन कर दिया। तो ये किसके पैरेलल आ गई, वाई एक्सिस के। अब ये जो हमने टेबल यहाँ बनाई है, इसे आप बनाते हैं तो भी ठीक, अगर आप इसको ड्रॉ नहीं करते, ये टेबल नहीं बनाते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, जीरो। तो हम क्या कर सकते हैं, वाई की वैल्यू जीरो और एक्स की वैल्यू जो -4.5 है उसे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बस पहले आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लें, उसके बाद वाई की वैल्यू जीरो यहाँ है और एक्स की वैल्यू -4.5 यहाँ पे है, तो बस इससे यहाँ पे एक पैरेलल, यहाँ पे एक लाइन इसके, सॉरी, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लें और ये क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लिख देंगे जीरो और सॉरी -4.5, 0, क्योंकि वाई की वैल्यू जीरो और एक्स की वैल्यू -4.5 है। इस तरह से भी कर सकते हैं, और चाहे तो एक्स की वैल्यू उसको वाई की यहाँ पे लिख के और वाई की वैल्यू उसको 1 by 1 पुट करके भी हम कर सकते हैं। दोनों तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए, हमारी एक्सरसाइज 4.4 यहाँ कंप्लीट होती है और हमारा चैप्टर भी फिनिश। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।